सरयू नदी में अवैध खनन कर रहे हैं। इंडिया न्यूज के कैमरे में अवैध खनन की पूरी तस्वीर कैद हुई है। इंडिया न्यूज संवाददाता अब्दुल वशार अयोध्या के माझा कला इलाके पहुंचे, जहां बालू को अवैध तरीके से निकाला जा रहा था। गांव के प्रधान ने बताया कि प्रशासन से शिकायत के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई है। दरअसल जिस कंपनी को खनन का पट्टा दिया गया था वो 6 महीने पहले ही पूरा हो चुका है, लेकिन वो कंपनी अभी भी खनन कर रही है। अयोध्या के मांझा कला एरिया में जबरदस्त बालू खनन किया जा रहा है। बालू खनन माफियाओं ने सरयू का सीना ही नहीं छलनी किया, बल्कि सरयू का मार्ग तक रोक दिया। ये सरयू की धारा है, मैं तस्वीरें जो दिखा रहा हूँ, सरयू की धारा को बहने से रोक दिया है, बीच में रास्ता पाट दिया है। और उसके दूसरी तरफ, जबकि अयोध्या नगरी है, वो तस्वीर जो मैं आपको दिखा रहा हूँ वो गुप्तरी घाट की है, यानी वहाँ मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम ने जल समाधि ली थी, वो प्रमुख स्थान था, वहाँ रोक दिया है उस तरफ की धारा। ये अगर मैं तस्वीर दिखाऊं आपको, तो सरयू इधर से बहती हुई जा रही थी, लेकिन ये रास्ता पाटा गया है। रास्ता पाटने की वजह यह है कि यहाँ से जेसीबी दूसरे साइड जा सके, यानी पोकोलाइन के सहारे इसको सरयू को पार करके दूसरे तरफ रेता तक जेसीबी ले जाई जा सके और वहां पे बड़े पैमाने पे खनन किया जा सके। इसके लिए सरयू तक को रोक दिया है। ये देखिए किस तरीके से सरयू का खनन हो रहा है और जो खनन माफिया है वो किस तरीके से अवैध बालू खनन कर रहे हैं। अवैध खनन की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे थे, हमारे सहयोगी अब्दुल वशार ने एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखाई। इस पर प्रतिक्रिया क्या है सरकार की तरफ से, अधिकारियों की तरफ से, वो हम आपको सुनाते हैं कि सच्चाई अधिकारी का क्या कहना है। मोटर नहीं आ रहा था और उसके गाना भी उसमें वो रास्ते बना रहे हैं, मतलब खनन अभी स्टार्ट नहीं है, उसी में से जो बालू सब निकल जा रहा है उसको सप्लाई कर दे रहे हैं या रास्ते के दोनों ओर जो डंप कर दे रहे हैं, इस तरह से चल रहा है। उस साइड में, उत्तर साइड में भी नदी में इन्होंने पुलिया बनाने का प्रयास किया है और उत्तर के बाद जो धारा बहती मुख्य धारा उधर भी, उसके पश्चिम साइड में अगर भी बनाने का प्रयास किया है। चार जगह इनके नदी पर जो है वो बन रहे हैं टेम्पररी, जो है गाड़ियों को आने जाने के लिए। उस पर अभी आगे क्या कार्रवाई होगी? आगे कार्रवाई देखिए नियमों साथ जो करेंगे। ये अधिकारी थे सिंचाई अधिकारी, जिनसे की बातों से लग रहा है कि कितने लाचार और बेबस नजर आ रहे हैं। हमारे सहयोगी अब्दुल वशार हमारे साथ जुड़ गए हैं। अब्दुल, अयोध्या में राम मंदिर कब बनेगा इसका तो पता नहीं, किसी को भी नहीं पता कि कब बनेगा, लेकिन यहाँ तो जो सरयू नदी है जिसकी पहचान, अस्मिता, जो इतिहास और विरासत को साथ लेकर चलती है और अयोध्या की पहचान के तौर पर सरयू नदी को जाना जाता है, अब वही खत्म करने पर तुला है प्रशासन वहां का। क्या सरकार आंखें मूंद कर बैठी है? देखिए यतेंद्र जी, बिल्कुल साफ है कि जिस तरीके से, चूंकि एक तरफ योगी सरकार दीपोत्सव मना रही है, दूसरी तरफ अयोध्या की उस तस्वीर को सजाया और संवारा जा रहा है, लेकिन वही जो अधिकारी हैं जिले के वो किस तरीके से गुल खिला रहे हैं, इसकी हकीकत सामने आई है। क्योंकि बात सिर्फ खनन की नहीं है, बात उस अयोध्या नगरी की है जहां पर उस जल धारा को रोका गया है, क्योंकि सरयू मोक्षदायिनी सरयू है और यहां डुबकी लगाने के लिए देश के लाखों लोग अयोध्या पहुंचते हैं और आज उसी सरयू को उसका जल प्रवाह रोक दिया गया है। ये अपने आप में चौंकाने वाली बात है, क्योंकि जो तस्वीर है वो बता रही है कि अयोध्या आने वाली जो सरयू है जो बह के अयोध्या पहुंचती है उसको रोका गया है, और जब इस तस्वीर को सामने किया गया है तब उसके बावजूद अभी भी उसको संरक्षण दिया जा रहा है। जो खनन माफिया है उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, ये साफ है कि पूरा जो नेक्सस है उस पे उसमें अधिकारी मिले हैं, नेता मिले हैं, और जो लोग इसके जिम्मेदार हैं उन्हीं लोगों ने इसको पूरा संरक्षण दे रखा है। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद अब्दुल वशार इस पूरी जानकारी के लिए। तस्वीरें साफ बताती है कि बहाव नहीं मोड़ा है, पूरी नदी को ही रोक दिया गया, बीचों बीच में रास्ता बना दिया है, और वो उस अयोध्या में जहां की बात खुद मुख्यमंत्री करते हैं, कई तमाम दौरे लगा चुके हैं, लेकिन उन दौरों का क्या हाल है, क्या बेहाल है, अयोध्या कैसी है, सरयू कैसी है, बिल्कुल खत्म करने अगर इसी तरह से रहा तो सरयू खत्म हो जाएगी, एक संस्कृति खत्म हो जाएगी अगर यही हाल रहा तो।